हे गाइस, नमस्ते, केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हाइजीन हैक्स। ये वीडियो मैंने स्पेशली गर्ल्स आपके लिए ही बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में अवॉइड करते हैं, जो आपको नहीं करना है। तो ये वीडियो में मैंने जो भी हैक्स आपको दिखाया है, जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, वो आप डेली अगर फॉलो करोगे रेगुलर, तो आपकी पूरी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नहाना तो हमें डेली ही चाहिए, क्योंकि डेली नहाने के बहुत सारे फायदे हैं। हमारी स्किन हेल्दी रहती है, ग्लोइंग रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। लेकिन आज मैं आपको एक DIY दिखाने वाली हूँ। वीक में एक बार ज़रूर फॉलो करना। आपको जो बेसन होता है ना, वो 4 से 5 चम्मच एक कंटेनर में भर देना है, कांच के कंटेनर में, और 4 से 5 चुटकी हल्दी की ले लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और आपके बाथरूम में ये आप रख सकते हैं। ये आपका नेचुरल शावर जेल आप बोल सकते हैं, या फिर आप एक्सफोलिएटर बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा जब भी नहाने जाओ ना, थोड़ा सा निकाल लो इसको और इसमें कच्चा दूध ऐड कर लो, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कच्चा दूध ऐड करने से ना बॉडी मॉइस्चराइज रहती है। तो इस तरीके का ये बन जाएगा। उसके बाद आपको आपकी फुल बॉडी पे इसे अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ना, एकदम ग्लोइंग तो हो जाएगी, हेल्दी भी हो जाएगी, और आपका जो स्किन टोन है ना, वो 1 से 2 टोन ज़्यादा ब्राइट दिखने लगेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये सनटैन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करेगा। अगर आप इसे फेस पे लगाओगे ना, तो आपका फेस इंस्टेंट आपको ग्लोइंग दिखाई देगा। आपको 3 से 4 मिनट अच्छे से फेस पे मसाज करना है। नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पे, हाथों पे, सारी जगह पे आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ठंडे पानी से इसे वॉश कर देना है। गाइज, इसे अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है ना, इतनी मस्त लगेगी ना, आपको बेबी सॉफ्ट स्किन लगेगी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। वीक में एक बार इसे अप्लाई कर सकते हैं, संडे के दिन, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिले, और अच्छे से सारे बॉडी पार्ट पे आप इसे अप्लाई करो। आपकी स्किन इतनी अच्छी लगेगी कि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे कि ये मैं हूँ। वाओ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ऐसी ब्रा तो पहनी होगी जो वायर वाली होती है। अगर इसमें से वायर निकलता है ना, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। और कभी कभी ये वायर इस तरीके से बाहर भी आ जाता है और इतना दर्द करता है ना। तो मेरे पास भी 1-2 ब्रा थी, लेकिन मैं अभी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ही दर्दनाक होता है जब जो वायर बाहर निकल जाता है ना, और बहुत ही टाइट लगती है। जो ब्रेस्ट के नीचे की जो हड्डियाँ होती है ना, उसमें कभी कभी इतनी चुभती है ना, बहुत ही दर्द करता है। और ऐसी चीज़ें क्यों पहनना जो हर्ट कर रहा है ना, तो आप वायरलेस ब्रा पहन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की ब्रा पहनिए, जिसमें आपको दर्द भी ना हो और कंफर्टेबल भी लगे। दोस्तों, आप कान के अंदर तो साफ़ करते हैं, लेकिन कान के पीछे की साइड भी आपको साफ़ करना चाहिए, अदरवाइज आपको रैशेस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कान के पीछे भी डेली साफ़ करें। तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा ब्रश ले लेना है, जो टूथ ब्रश होता है ना वो, और एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसे आप पीछे की साइड से इस तरीके से शावर जेल या फिर सोप, या फिर इस तरीके से मैं जो बेसन वाला बनाया था वो यूज़ करके इसे अप्लाई करूँगी। एकदम धीरे धीरे से आपको अप्लाई करना है, रैशेस की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखो कि कान के पीछे भी हमें साफ़ करना ही चाहिए डेली। दोस्तों, जैसे ही नहाने के बाद जब भी आप बाहर आओ ना, तो आपको डिओड्रेंट अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे नेविया का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी आपके पसंद का यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैराबिन सल्फेट नहीं होता है, और हमारे जो अंडरआर्म्स है वो भी ब्लैक नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप डेली करें, ये आपको एकदम फ्रेश रखेगा। अगर आप ऑफिस जा रहे हो ना, तो भी आप इसको साथ में कैरी कर सकते हो, आप वॉशरूम में जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। और जिससे क्या होगा कि अगर आप किसी के आजू बाजू रहोगे तो बैड स्मेल नहीं आएगी। तो ये वाला हैक भी आप ज़रूर फॉलो करें, ये हाइजीन के लिए परफेक्ट हैक बोल सकते हैं। नेल्स को भी हमें रेगुलर क्लीन करना चाहिए। हाथों के नेल्स पे तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों के नेल्स पे हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, आपको है ना, पहले तो जो नेल पॉलिश की है ना, उसे अच्छे से रिमूव कर देना है। उसके बाद मैंने जो बेसन वाला हमारा DIY जो बनाया था, वही यूज़ करूँगी, इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। दोस्तों, किसी किसी को है ना, नेल्स बढ़ाने का बहुत ही शौक होता है, स्पेशल जो पैरों के नेल्स है ना, वो कुछ लोग बड़े करते हैं, लेकिन उसकी केयर भी करनी चाहिए, अदरवाइज़ उसमें जो
डर्ट है ना वो फंस जाता है और बैड स्मेल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप इस तरीके से इसे क्लीन कर सकते हैं। और ये जो बेसन वाला जो मैंने बनाया है ना, वो आपके पैरों को भी पैरों को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करेगा और सन टैन की प्रॉब्लम को भी ये दूर कर देगा। उसके बाद आपको एक टूथब्रश लेना है और नेल्स को अच्छे से क्लीन कर देना है। वैसे तो स्पेशली पैरों के नेल्स को क्लीन करने के लिए एक ब्रश भी आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। अंगूठे के बीच में भी आपको अच्छे से इसे क्लीन करना है, नेल्स के अंदर इसे अच्छे से क्लीन करना है, जिससे नेल्स के सारे डर्ट रिमूव हो जाएगी और आपका जो पैर है वो क्लीन हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट तक आप इसे अच्छे से साफ करें, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसे क्लीन कर देना है। उसके बाद आप आपके फेवरेट वाले जो नेल पेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो पैर है ना वो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल लगेगा, क्लीन लगेगा। और ये वाला हैक भी आप वीक में 2 से 3 बार या फिर वीक में 1 बार भी इसे कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी वाली नेल पेंट लगाई है, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मैंने OPI की नेल पेंट लगाई है और इसका शेड भी आप देख सकते हैं। और कॉटन के लिए मैंने ये वाला कॉटन यूज़ किया है और नेल रिमूवर के लिए मैंने कलर बार का नेल रिमूवर यूज़ किया है। बेली बटन भी ऑलवेज क्लीन करें। और यहाँ पे शकीरा बहन आ गई है मेरे में। एनीवेज गाइस, तो आपको बेली बटन क्लीन करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर विटामिन ई ऑयल बेस्ट है। 1 से 2 ड्रॉप आप ले सकते हैं। उसके बाद जो बेली बटन होता है ना, उसके अंदर आप इस तरीके से इसे क्लीन करें और एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसकी हेल्प से आप इसे साफ़ कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आप बेली बटन अच्छे से क्लीन नहीं करते हो ना, तो उसमें से भी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहाने के टाइम भी आपका जो टॉवल है उसकी हेल्प से भी बेली बटन क्लीन कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से, या फिर आप इस तरीके से विटामिन ई ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, स्पेशली वर्जिन ऑयल यूज़ करना है आपको, इस तरीके से आप बेली बटन को क्लीन कर सकते हैं। आप डेली जो एसेसरीज यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मेकअप स्पॉन्ज, मेकअप ब्रश, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए। स्पेशली फ़ोन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ये जो कॉलिन है, स्पेशली ये जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है ना, उसे साफ़ करने के लिए मैं ये वाला ही कॉलिन यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा आप माइक्रो फैब्रिक टॉवल में इसे स्प्रे कर दीजिए और इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन करें, जिससे फ़ोन के जो बैक्टीरिया है ना वो आपके फेस पे ना लगे और कोई भी इन्फेक्शन आपको ना हो, जैसे कि पिंपल, ये सारी चीज़ें। आप मेकअप ब्रश भी अच्छे से साफ़ करें, मैं तो हैंड वॉश यूज़ करती हूँ साफ़ करने के लिए। आपके पास मेकअप ब्रश का जो क्लींजर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसे अच्छे से आप क्लीन करना है। अगर आप 3 से 4 बार मेकअप ब्रश यूज़ कर रहे हो ना, उसके बाद आप इसे अच्छे से क्लीन कर ही लीजिए, अदरवाइज आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा कि पिंपल हो सकता है, रैश हो सकता है, ईचिंग हो सकती है। और ये भी ध्यान रखें कि अपना ब्रश खुद ही यूज़ करें, दूसरे के साथ शेयर ना ही करें तो अच्छा है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो लाइक कर देना, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।